कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है जहरा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام إن في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है मुआशरे में फातिमी किरदार की ज़रूरत। देखिए, अल्लाह ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है, उबूदियत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्न और इंस को फकत और फकत बंदगी के लिए पैदा किया है। क्यों? बंदगी का नतीजा क्या है? अगर इंसान बंदगी करेगा तो इंसान अपने निहाई हदफ जो अल्लाह ने जिसके लिए इंसान को पैदा किया है वो सआदत, फौज, कामयाबी तक इंसान पहुंच जाएगा। तो जब इंसान बंदगी करेगा तो सआदत तक पहुंच जाएगा, कमाल तक पहुंच जाएगा, फौज और कामयाबी तक पहुंच जाएगा। और ये कब इंसान इस मंजिल में पहुंच सकता है? उसी वक्त इंसान इस मंजिल में पहुंच सकता है जब अपनी पूरी जिंदगी को आयात और रवायत के साए में गुजारेगा, तब जो है इंसान हकीकी बंदगी तक पहुंचेगा। और जब हकीकी बंदगी तक पहुंच जाएगा इंसान, तो उसके किस्मत में सआदत है, कामयाबी है, फौज है, निजात है, बहिश्त है, ये सारी चीजें आएंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे गुजारें अपनी पूरी जिंदगी को कुरान और आयात के साए में। उसके लिए कुरान ने नमूने अमल पेश किया है, कहा तुम अपनी जिंदगी को पैगंबर की जिंदगी के मुताबिक ढाल। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, तुम अपनी पूरी जिंदगी को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक ढाल लो। ये पैगंबर की हयात तैयबा तुम्हारे लिए नमूने अमल है। जिस तरीके से पैगंबर की हयात तैयबा इंसान के लिए नमूने अमल है, उसी तरीके से इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पैगंबर की बेटी हमारे लिए उसवे हसना है, हमारे लिए नमूने अमल है। तो बस पैगंबर की जिंदगी या पैगंबर की हयात तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा भी हमांगी है, यानी यकजहती है। जिस तरीके से रसूल अकरम की हयात तैयबा लोगों के लिए नमूने अमल है, उसी तरीके से फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी, उनका किरदार हम सबके लिए नमूने अमल है। बस फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी मर्दों के लिए भी नमूने अमल है, हत्ता औरतों के लिए भी नमूने अमल है। मिन जमील जिहाद, क्योंकि बहुत सारी चीजों में पैगंबर अकरम की ज़ात अक़दस जो है वो औरतों के लिए नमूने अमल नहीं बन सकती है। मसलन शौहर के इत्तबा के सिलसिले से जो है, क्या कहते हैं, फर्जंदारी, खानदारी के सिलसिले से पैगंबर की हयात तैयबा नमूने अमल औरतों के लिए नहीं बन सकती है। इसीलिए फातिमा ज़हरा की जरूरत थी कि मिन जमील जिहाद औरतों के लिए ये नमूने अमल बन सकते हैं। इफ्फत, हिजाब, शौहर का इत्तबा, तरबियत फर्जंदगी, हक और हक्कानियत का दिफा, इमामत और विलायत का दिफा, ये सारा किरदार फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हम सब के लिए नमूने अमल है। अगर हम सब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार को अपना लें तो हमारा मुआशरा खुद ब खुद जो है वो सलाह की तरफ, फौज और कामयाबी की तरफ, मदीने फाजला की तरफ पहुंच जाएगा। इसलिए कि यही वो किरदार है जिस किरदार को हमारे मुआशरे की जरूरत है। आप देखिए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी कितनी मुख्तसर है, कुल 18 साल की जिंदगी है। इस 18 साल की जिंदगी में जिस रुख से देखिए या जिस पहलू से देखिए, आपकी हयात तैयबा नमूने अमल है। आपकी तबीयत, आपकी हयात तैयबा बिल्कुल उरूज पर है, इसका कोई बदील, कोई मिस्र नहीं है। जिस किरदार में भी बस कितने साल, 18 साल की उम्र में, बस इसका मतलब है कि हम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जो चीज सीख सकते हैं वो ये है कि वक्त से सही इस्तेफादा करना। कि 18 साल के दिन में क्या बेहतरीन किरदार आपने अदा किया है मिन जमील जिहाद। तो कैसे हुआ ये वक्त की से सही इस्तेफादा करना, ये हमें सीखना है
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ याद से वक्त से सही इस्तेमाल करना। हम कैसे वक्त से सही इस्तेमाल करें, चूंकि अल्लाह ने बहुत सारी नियमतें दी हैं। वक्त नहायत कीमती चीज का नाम है। मौला कायनात फरमाते हैं अल फुरसत तमर मर्रसहा, ये वक्त ये फुर्सत गुजरता जाएगा, इसका काम है गुजरना। ये जिंदगी के उफुक में अब्र की तरह गुजरता चला जाएगा, गुजरता जाता है। लिहाजा हमें इस वक्त से फायदा उठाने की नहायत जरूरत है। मौला कहना तीन शाह फरमाया इन्ना औकात का अज्जा मिन उम्री का या अज्जा उम्री का, ये औकात ये वक्त ये उम्र का एक हिस्सा है। फला तनफुद लका वक्तन इल्ला बिमा युनजी का, वक्त तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, इसको फालतू जाया ना होने दो, इसको फकत और फकत उस चीज में इस्तेमाल करो जो तुम्हें निजात दे सके। कितनी कीमती चीज है, बस वक्त से सही इस्तेफादा करना। मामूलन लोग वक्त से सही इस्तेफादा नहीं करते हैं। ये इतनी अजीम नियमत अल्लाह ने दी है इंसान को, इससे हम सही फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए कि नियमत जब उसकी इस्तेमरार होती है, बार बार आती है, कसरत होती है नियमत की, तो इंसान के नजर में उसकी कदर कीमत कम हो जाती है। उसमें से एक नियमत यही वक्त है। वक्त हमेशा तकरार होता रहता है, आता रहता है। इंसान जो है इससे सही इस्तेमाल नहीं करता है, इसको जो है फालतू जगहों पर जो है वो सर्फ कर देता है, जिसको जिसमें निजात नहीं है उसमें सर्फ कर देता है। ये नहायत खसारा है। इसलिए हमें वक्त को जो है मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। हम सही तरीके से वक्त से इस्तेफादा करें, फायदा उठाएं। आप देखिए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कैसे वक्त से इस्तेफादा करती थी। आपने वक्त को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया था, क्योंकि अब आप देखिए कि ये जिम्मेदारी सारी जो है मौला कायनात, बहुत ही मशगूल जिंदगी थी मौला कायनात की, हमेशा पैगंबर के दोष बदोश हुआ करते थे, इतनी जंगें हुआ करती थी, हर जगह पैगंबर के साथ साथ मौला कायनात होते थे। तो मौला कायनात के पास वो घर के सिलसिले में वक्त उतना नहीं मिल पाता था जितना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मिलता था, इसलिए सारी जिम्मेदारी पर फातिमा के कंधों पर आ गई थी। तो आपने वक्त जो है मुअय्यन किया, का आपने तीन जिंदगी को तीन हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा उबूदत इबादत और बंदगी के लिए मखसूस कर दिया, एक हिस्सा आपने मखसूस कर दिया है अपने लिए, एक वक्त आपने मखसूस कर दिया है अपने खानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए। रावी कहता है कि जो जो, जो वक्त आपने मुअय्यन किया है, जिस चीज का वक्त होता था उसे में सर्व करती थी आप। अगर इबादत का वक्त है, इबादत करने का वक्त है, तो सिर्फ इबादत करती थी, उसमें कोई दूसरा काम नहीं करती थी आप। जो काम, जो वक्त बच्चों का है, जो वक्त शौहर का है, शौहर को देना है, बच्चों को देना है, उस वक्त में कोई दूसरा काम नहीं करती थी। इब्न शादान की रवायत है कि आप जो एक वक्त आपका था कि घर में बैठकर सबके साथ तफरी करना, हंसी मजाक करना, ये भी उनका वक्त, ये भी तरबियत के लिए बहुत मुहिम अंसर है कि वक्त देना बच्चों को, आप वक्त देती थी। पैगम्बर अकरम रावी कहता है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की ज़ियारत के लिए उनके घर गए, उनके दीदार के लिए उनके घर पहुंचे। जब आप उनके घर पहुंचे तो फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अलैहा ने हलवा बनाया और सब ने बैठ के सारे पंजतन जो है वो फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा मौला कायनात और रसूल खुदा और आप ये जो फातिमा के सारे औलाद, सारे बच्चे जो है वो बैठ के सब ने हलवा खाया। हलवा खाने के बाद पैगंबर सजदे में गिर गए और सजदे में जब गए तो ये सजदा बहुत तुलानी हो गया। जब आप सजदे से सर आपने उठाया है तो पूछा गया कि आपने कैसा सजदा किया, तो आपने फरमाया कि मैंने उस नियमत के मुकाबले में सजदा किया है जो अल्लाह ने मुझे दिया था, और वो घर वालों के साथ, खानदान वालों के साथ बैठ के मैंने जो वक्त गुजारा है, ये निहायत मकाम शुक्र है, इसलिए मैंने अल्लाह का सजदा किया है। देखिए बस इसका मतलब क्या है कि वक्त जो है वो बच्चों में गुजारना चाहिए, ये बहुत मुहिम है। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा अगर वक्त मिला तो हम बाहर चले जाएं। हमारे यहाँ वालदैन हुसन वाले जो है वो इसकी रियायत नहीं करते, यानी बच्चों में वक्त गुजारना खुद एक जो है वो मुहिम काम है। या औरतें कहती हैं कि मसलन की कुरान और नमाज तो वाजिब अदा हो गया है, उसके बाद इतना ज्यादा ना पढ़े, उसमें बकिया जो है वक्त जो है वो बच्चों में गुजारे हैं, बच्चों की तरबियत में गुजारे हैं, खानादारी में गुजारे हैं। देखिए सैयदा ने हमें जो है वो बता दिया है, अगर इबादत का वक्त है, चूंकि हमें भी इबादत की जरूरत है, इंसान जब तक तमाम जिहत से
तकामुल नहीं पाएगा उस वक्त तक उसकी जिंदगी जो है मुकम्मल नहीं हो सकती है। हर जेंस से तकामुल पाना है, सिर्फ एक जेंस से नहीं, इस जो है कहते हैं मानवीय एतबार से भी हमें रुष्ट करना है, बच्चों की तरबियत के हवाले से भी रुष्ट करना है, क्योंकि उसकी जरूरत है हमारे मुआशरे को, यानी हर एक को जरूरत है कि हमारे वहां जैसे मसलन मिसाल के तौर पर थोड़ा सा वक्त मिला वो आदमी चले जाते हैं होटल पे, अगर वक्त निकालना खुद बच्चों के लिए ये भी एक जरूरी अमर है, जरूरी उनसुर है। जैसे कि मैंने कहा कि पैगंबर सज्जे में चले गए, कहा इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे दी है, मैंने अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारा है, या औरतों का जहां जहां खानेदारी जिम्मेदारी है, जहां घर पर खाना पकाना और जो है बच्चों की तरबियत करना उनकी जिम्मेदारी है, वहीं पर जिम्मेदारी ये भी है कि कुरान की तिलावत करें ताकि घर में जो है वो बरकत हासिल हो, नमाज पढ़ें, बंदगी करें, नमाज शब जैसी इबादत से हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार हमें अपनाना चाहिए, हमारे माशरे में फातिमी किरदार की नहायत जरूरत है। अगर हमारा माशरा, इसलिए कि माशरा कोई एक अलग से किसी चीज का नाम नहीं है, इसी फर्द के मजमुए का नाम माशरा है। जब फर्द फर्द जमा हो जाते हैं तो माशरा बन जाता है, ये अगर फर्द फर्द सही हो गए तो माशरा खुद बहुत सही हो जाएगा। तो पहली जो हमें जो है फातिमा ज़हरा के किरदार से हमें हासिल करना है वो है वक्त से सही इस्तेफादा करना, कि कैसे आपने इतनी कम उम्र में मिन जमी अल जिहाद आप तकामुल तक पहुंच गई और सबके लिए नमूने अमल करार पाई। ऐसे हमें इस वक्त को मुनज़्ज़म करना चाहिए ताकि हम सही तरीके से उस वक्त से इस्तेफादा कर सकें वक्त से। दूसरी चीज जो फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हम सीख सकते हैं वो है बच्चों की तरबियत। देखिए आपकी नजर बच्चे के बच्चों के सिलसिले में जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से नहायत तकलीफ थी, आप हर पहलू से बच्चों को देखते थे। बच्चों की तरबियत, ऐसे बच्चों की तरबियत करके मुआशरे के हवाले कर दिया है कि कायनात में इसकी कोई बदील नहीं होगी, इसकी कोई मिसल मौजूद नहीं है। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, ऐसे ऐसे बच्चों को मुआशरे के हवाले किया है जिसकी कोई मिसाल कयामत तक नहीं मिल सकती है। ये कौन सा कैसी तरबियत की है फातिमा? फातिमा दोनों रूह से देखती थी जिस्मानी एतबार से, इसलिए कि अगर जिस्म सालिम रहेगा तो रूह सालिम रहेगी, अगर जिस्म सालिम नहीं है जिस्म नहीं है नहीं फैर तो रूह भी सालिम नहीं रह सकती है। सालिम जिस्म में सालिम रूह रहती है, लिहाजा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इसकी तरफ नहायत दिक्कत से काम लेती थी। अब देखिए तस्लिया बच्चों की तस्लिया के सिलसिले में नहायत तकलीफ थी, आप बच्चों को खुद दूध भी पिलाती थी, इसलिए कि ये दूध जो है वो बच्चों की सआदत और उसकी खुशबख्ती और बदबख्ती में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है खाना खुद, लिहाजा खुद बच्चों को दूध पिलाती थी, चूंकि ये नहायत मुहिम हो सकता है, ये अक्सीर है इंसान के लिए, अगर सही तरीके से खाना खाने का बंदोबस्त होगा तो बच्चा रुष्ट करेगा, सिर्फ जिस्मानी एतबार से रुष्ट नहीं करेगा मानवीय एतबार से रुष्ट करेगा। इसलिए कहते हैं कि खाने के सिलसिले में कि बच्चों को पाक गजा दें, पाक तैयबो ताहिर गजा दें, ये फातिमी किरदार है, कहीं से किसी किस्म का शायबा ना होने पाए। पेट भरना भरना ये वालिद की जिम्मेदारी नहीं कि बच्चों को पेट भर दें खाली, वालदेन की जिम्मेदारी ये नहीं है फकत बच्चों का पेट भरे, नहीं बच्चों का पेट भरे कैसे भरे ये भी जिम्मेदारी है हलाल खाने से। अगर हलाल खाना पेट में जाएगा तो तमाम जैसे मानवीय एतबार से भी और अखलाकी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी बच्चा बेहतरीन दुरुस्त करेगा, लिहाजा इसकी तरफ खास तवज्जो आप देती थी खाने की, खुद बच्चों को खाना खिलाती थी, बच्चों का खुद भूखी रहती थी, बच्चों को शिकम शेयर करती थी, ये नहायत अजीम किरदार है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कि बच्चे जो है जिस्मानी एतबार से रुष्ट करें, और जब जिस्मानी एतबार से रुष्ट करेंगे तो खा ना खा रूहानी एतबार से भी उनकी रुष्ट होती चली जाएगी इसी तरीके से। या आपने आपकी तवज्जो किसकी तरफ थी ज्यादा, बहुत तकी तवज्जो रहती थी मानवीय की तरफ, आप इसकी तरफ नहायत तकीक रहती थी, हत्ता रवायत में मिलता है कि आप शबे कद्र में पहले बच्चों को सुला देती थी ताकि रात में बच्चे सही तरीके से इस अजीम रात की इस रात की अजमत को दर कर सकें, रात की अजमत को दर कर सकें, इसलिए पहले सुला देती थी बच्चों को।
ताकि देखिए कितनी कितनी जो है दिक्कत करती थी, शबे कदर आने वाली है और रात इतनी मुहिम रात, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने की रातों से अफजल है, इसको दर करना है। तो कैसे दर करेगा इंसान, अगर दिन भर थका रहेगा तो रात में अगर जगेगा नहीं तो वो बंदगी का हौसला नहीं मिल पाएगा, वो बंदगी का जज्बा नहीं रहेगा, इंसान थका हुआ है। लिहाजा पहले बच्चों को सलाह देती थी ताकि बच्चे जब उठे तो बानिशात रहें, शबे कदर में बानिशात रहें, इस्तेफादा करें, ये ऐसी अजीम राज से फायदा उठाए। लिहाजा देखिए कैसी दबी नजर थी जो है तरबियत के हवाले से, या आप हत्ता इल्म सीखने के हवाले से बच्चों पे कितनी नजर रखती थी। अभी हसनैन अलैहिस्सलाम कुल 7 साल के हैं, 7 साल की उम्र में आप कहती क्या है बच्चों से कि आप जाइए मस्जिद में और देखिए नाना क्या कहते हैं, जो कुछ नाना कह रहे हैं वो मेरे लिए बयान करें। ये किरदार है फातिमा अलैहिस्सलाम का, कैसे आपने जो है इसको जो है अपनाया है। लिहाजा हमारे मौजूदे में इस किरदार की जरूरत है। और तीसरी चीज जो है वो है शौहर का इत्तेबा, शौहर की इताअत करना, ये भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। शौहर इसलिए औरतें आई पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगी कि सारी फजीलतें तो मर्दों की झोली में चली गई, जिहाद भी हो जाएंगे, सआदत वो हासिल करेंगे, शहादत उनको मिलसी होगी, हमारी झोली में तो कुछ ही नहीं। पैगंबर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा जिहाद ये है कि तुम शौहर का इत्तेबा करो, घर में बच्चों की तरबियत करो। लिहाजा इस किरदार को भी अपनाने की जरूरत है। आप शौहर को निहायत सुकून देती थी, कभी ऐसा मुतालबा नहीं किया, कभी भी मुतालबा नहीं करती थी कि ऐसा ना हो कि अली शर्मिंदा हो, और हमारे वहां जो जिंदगी शुरू ही होती है मुतालबे से। लिहाजा इसकी तरफ दिक्कत की भी हमारी जरूरत है, हमारे मुआशरे में फातिमी किरदार की जरूरत है। एक निहायत मुहिम किरदार जो फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि का है वो ये है कि इमामत का दिफा, विलायत का दिफा, यानी इतनी सख्त, आपने पहले जो है क्या कहते हैं वक्त को तकसीम कर दिया था मौला कायनात के साथ कि घर का काम हम करेंगे, बाहर का काम आपकी जिम्मेदारी है। यानी इसके बावजूद कि जबकि आपने कहा कि घर की जिम्मेदारी हमारे हवाले है, बाहर का काम आपके हवाले है, लेकिन इसके बावजूद आप जो है जब दिफा का इमामत के दिफा का मसला आया, विलायत के दिफा का मसला आया, तो आप इतनी मुसीबत के बावजूद घर से बाहर निकल जाती है। दिफाए विलायत में मुसीबत है, अभी बच्चा जो है सख्त हुआ है, तमाचे खाए हैं, जो है दर दीवार के दरमियान है, ऐसे भी माहौल में विलायत के जब दिफा का मसला आया है तो आप घर से बाहर निकल जाती हैं। यानी जहां पहले ही इफ्फत और हया हायल थी कि आपने तकसीम बंदी की थी कि घर का काम हम करेंगे, बाहर का काम आप कीजिएगा, लेकिन जब दिफा का मसला आया, विलायत और इमामत के दिफा का मसला आया, तो आप घर के बाहर निकल गई। लिहाजा हमें भी इस किरदार को अपनाने की जरूरत है, अपने इमाम असर के लिए हमें आमादा होना चाहिए, इमाम असर को भी हमें भी हमारी जरूरत है, हमें दिफा करना चाहिए इमाम असर की विलायत या जो है इसका, इसके लिए हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की जरूरत है, अपने आप को तरबियत करने की जरूरत है। बस मुआशरे में फातिमी किरदार की निहायत जरूरत है। अगर मुआशरे में फातिमी किरदार राइज हो गया है तो हमारा पूरा मुआशरा फलाह और बहबूदी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, सआदत और कामरानी और जो फौज और कामयाबी है, जो मदीने फादिला है, उसकी तरफ ये हमारा मुआशरा बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा जरूरत है मुआशरे में फातिमी किरदार को राइज करने की। वस्सलामु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।